अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे मौजू और आज मेरे टॉपिक जो है ह्यूमन पावर्स पे हैं, इंसानी सलाहियतों पे हैं, ताकतों पे हैं। और आज एक यूनिक प्रोग्राम है, बिल्कुल अलग से एक प्रोग्राम है जिसे आप देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे और अपने बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश हमने की है कि इस प्रोग्राम को देखते हुए आप बहुत सी कुछ चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और अपनी शख्सियत में तब्दीलियां ला सकते हैं। इस वजह से मैंने इस प्रोग्राम को, पिछले भी कुछ प्रोग्राम्स आपको इंसानी सलाहियतों के बारे में, इंसानी पावर्स के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों की राय हमने इसमें शामिल किए, कमेंट्स शामिल किए। जिन लोगों ने अपने बारे में कुछ जाना है, कुछ पहचाना है, कुछ अपने सलाहियतों को उजागर किए हैं, उनके भी इसमें होंगे। आप खुद देख सकेंगे उनके राय क्या हैं, वो क्या कहते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा कुछ ये इस पे हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान एक अशरफुल मखलूकात के नाते उनको क्या क्या सलाहियतें अता की हैं और वो किन किन सलाहियतों का हामिल है। अल्लाह ताला ने इंसान को ताकतों से मालामाल किए हैं, वो एक अशरफुल मखलूकात उस ताकतों पे हैं जो नज़र नहीं आते हैं और उनके वजूद में हैं, उनके इर्द-गिर्द में हैं और उनको बहुत सी नियामतें अता किए, इंसान के लिए सब कुछ क्रिएट किए। इस कायनात में तमाम चीज़ें इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा की है और वो मुस्तफीद होना इंसान की अपनी मर्जी है। अल्लाह ने फरमाया, ए इंसान, आप अचीव कर सकते हो, आप हासिल कर सकते हो, आप अदर्स की हेल्प कर सकते हो, अच्छे अखलाक बना सकते हो, हलाल रोज़ी कमा सकते हो और आप अच्छे इबादात कर सकते हो, आप पुरसकून और हेल्थी ज़िंदगी गुजार सकते हो, आप दूसरों में इस चीज़ों का हेल्प भी कर सकते हो, आप प्यार कर सकते हो, मोहब्बत कर सकते हो, आप मिलजुल के दूसरों के साथ एक अच्छी सी खूबसूरत सी ज़िंदगी और एक ये ज़मीन को खूबसूरत बना सकते हैं, फूल की तरह खुशबूदार, पावरफुल। तो इस तरह हम इस चीज़ों पे बात करते रहते हैं, समदा लेवल 1 to 4, HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, समदा हीलिंग सिस्टम, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी, और हम पेम बेल पे बात करते हैं, पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज, जील साइंसेस के बहुत से सब्जेक्ट्स है और उसके बहुत से स्कूल्स पे हम बात करते हैं, फिर उसके सब्जेक्ट को लेते हुए हम उसको आगे उसके पे बात होती है और उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं, उसके एक साइंटिफिक के लिए भी और रूहानी तौर पे भी, दिन के हवाले से भी उस चीज़ के, उस चीज़ को प्रूफ और एक्सप्लेन करते हैं हम, एक सबूत होता है उस चीज़ के। तो इसी तरह ये क्या चीज़ है जील साइंसेस और ये प्रोग्राम में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्रोग्राम तकरीबन चल रहे हैं, आपने तकरीबन 5 साल हो गए जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं और 5 सालों में ज़रूर आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, लेकिन आज इस चीज़ों का और आपको यूनिक तरीके से हम बता देंगे कि ये है क्या ये चीज़ें और किस तरह के ये सब्जेक्ट काम करते हैं, बॉडी कैसे काम करते हैं। तो थोड़े से आप थोड़ी देर के लिए आप देखें इंसानी ऑरा, इंसानी ऑरा जो 12.5 मीटर जो पावर इंसान से निकलते हैं और इंसान के वजूद में ये बनते हैं, थोड़े से ऑरा देखेंगे और आके बाद फिर वापस आते हैं, जल्द वापस आते हैं, दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा, तो आप देख लें, वापस जल्द आते हैं।
आपने देख ली है और यकीनन आपने अपने ओरा को, अपने वजूद जो दूसरे मसाले इथरिक बॉडी एनर्जी फील्ड को आपने देखे होंगे, एंजॉय किए होंगे, आपने बहुत कुछ सीखे होंगे हमारे ओरा की कलर्स और हमारे उस चीज़ों के इंसानी एनर्जी फील्ड। ये आज साइंस ने यह साबित किया इंसान एक बड़ी ताकत है और दीन ने तो कई हज़ार साल पहले हमें कहा है, फरमाया अल्लाह ने कि इंसान आप अशरफुल मखलूकात है, बहुत बड़ी ताकत है। तो अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेडिटेशन पे, और मेडिटेशन यानी क्या है और मेडिटेशन कैसे किया जाए। मेडिटेशन के तरीके मैंने बहुत से प्रोग्राम्स में आपको बताई हैं, और मेडिटेशन क्या है और इससे क्या हासिल होते हैं। मेडिटेशन एक दुनिया है और मेडिटेशन एक कंसंट्रेशन और एक हमें इमेजिनेशन के दुनिया है, और इसमें हम अल्लाह ताला के एक रास्ता है, अल्लाह ताला की ताकतों के साथ, नेचर के साथ कनेक्शन का, सुकून लाने का, टेंशन डिप्रेशन जैसी बीमारियों का निजात लाने का, हेल्थी लाइफ गुजारने का एक रास्ता है और बेहतरीन सा तरीके हैं। इसमें आप देख सकते हैं मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको बताए हैं। तो आप ज़रा इस मेडिटेशन के बारे में आप थोड़े से फोटेजेस देखें, मेडिटेशन क्या है और कैसे होते हैं, ये तरीके मैंने पिछले प्रोग्राम्स को भी बताई आपको, और मेडिटेशन की जो बेनिफिट्स है वो बहुत सारी बेनिफिट्स है इसके, कि हमारे कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करते हैं और रूहानी ताकतें हासिल होती हैं, सुख हासिल होते हैं, एक सुई हासिल होती हैं, और हमें बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी चीज़ों से निजात हासिल होते हैं, और हमारी ह्यूमन बॉडी की पावर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस होते हैं। इसी तरह इंसान के थर्ड आई खुल जाते हैं, जिस तरह संदा में थर्ड आई और HMF में ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स में थर्ड आई को ऑन करते हैं हम, और वो ऑन होते हैं इंसान को बहुत सारा कुछ नज़र आने लगते हैं। ये थर्ड आई क्या है इसको ज़रा देख सकता है, जिसे तीसरी आंख कहते हैं या छठी हस कहते हैं। सिक्स सेंस पे आप ज़रा फुटेज देख रहे हैं और देख ले।
आपने देख लिया टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे, टाइम को किस तरह के हम करेंगे। एक टाइम एंड स्पेस की बात जब होती है कि इंसान अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके टाइम एंड स्पेस यानी जो है टाइम और स्पेस से इंसान गुजर सकते हैं यानी उसमें ट्रेवल कर सकते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर टाइम एंड स्पेस नहीं होती है एक ऐसे मकाम होती है इंसान को अल्लाह ताला ने ये सलाहते अता किए है टाइम एंड स्पेस कायनात में ट्रेवल करना और कायनात में सफ़र करना। कैसे और कैसे मुमकिन है, लोगों के क्या तसव्वुरात है और लोगों ने कैसे कैसे चीज़ें इसके लिए बनाई है और क्या हम कभी इस कायनात को मुसख़र करने की सलाहियत हमारे अंदर है तो कैसे करेंगे, आपके तसव्वुर में कैसे होंगे। मेरे तसव्वुर में तो इसी तरह आप ज़रा देख लें।